डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। लर्न लेसन सेकंड, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। व्हाट इज द सीक्रेट, सीक्रेट रहस्य शेयर्स बांटती है बैकयार्ड घर का पिछला आंगन। वह कौन सा रहस्य है जो मीना मृदु के साथ घर के पिछले आंगन में बांटती है। आंसर, मीना टोल्ड मृदु, मीना ने मृदु को बताया अबाउट द स्मॉल किटन, छोटे बिल्ली के बच्चे के बारे में। विच वॉज लेइंग इनसाइड टॉर्न फुटबॉल, जो फटी हुई फुटबॉल के अंदर बैठा हुआ था। शी टोल्ड हर, उसने उसे बताया, यानी कि मीना ने मृदु को बताया दैट दे, कि उन्होंने दे फॉर रवि एंड मीना फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग, कि उन्होंने उसे घर के बाहरी गेट, घर के दरवाजे के बाहरी तरफ सुबह पाया था। क्वेश्चन नंबर दो, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, रवि ने बच्चे के बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे प्राप्त किया। रवि टोल्ड हिज मदर, रवि ने अपनी माँ को बताया दैट ही वॉज हंग्री, कि वह बहुत भूखा था। सो ही वॉन्टेड टू ड्रिंक मिल्क, इसलिए वो दूध पीना चाहता था। ही ड्रिंक्स इट स्लोली, वह उसे बहुत धीरे धीरे पी रहा था। सो मिस लिड हिज ग्रैंड मदर, ताकि वो अपनी दादी माँ को गुमराह कर सके। एज सून एज, जैसे ही गेट्स ए चांस, उसे एक चांस मिलता है। ही क्विकली रन्स, वह तेजी से दौड़ता है। एंड पॉट्स इट इन द कोकोनट शेल, और वह उसे नारियल के खोखले भाग में उड़ेल देता है। फॉर द किटन टू ड्रिंक, ताकि बिल्ली का बच्चा उसे पी सके। क्वेश्चन नंबर तीन, Who does he say the kittens ancestors are? वह बिल्ली के बच्चे को किनका वंशज बताता है। Do you believe him? क्या आप विश्वास करते हैं? रवि believes, रवि विश्वास करता है that the kitten, कि बिल्ली का बच्चा to have descendant from the महाबलीपुरम ऋषि कैट, कि बिल्ली का बच्चा जो है महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली का वंशज है। इट वॉज ए डिसेंडेड ऑफ द इजिप्शियन कैट गॉडेस, यह मिश्र की बिल्ली देवी बास्टेट, बिल्ली देवी बास्टेट का भी वंशज था। वी डोंट बिलीव हिम, हम उस पर विश्वास नहीं करते, बिकॉज हिज थ्योरी इज क्वाइट इम्प्रोबेबल, उसकी जो उसका जो विचार था वो लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। If I want to say we believe him because his history knowledge is well. If I want to say, यदि मैं ये कहना चाहती हूँ, we believe him, कि हम उस पर विश्वास करते हैं, because his history knowledge is well, क्योंकि उसका इतिहास का ज्ञान अच्छा था। Dear students, red pen का जो part है ये question number 3 के answer में ही एड किया गया है। क्वेश्चन नंबर चार, रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुन्नई, दिस शोज दैट, रवि एमपी पुन्नई के बारे में बहुत कुछ कहता है। दिस शोज दैट, यह दर्शाता है। नंबर वन, ही इज मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, मियरली केवल, वह केवल मृदु को इम्प्रेस करना चाह रहा था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसकी इतिहास का ज्ञान मजबूत था। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसकी जो कल्पना थी वो समृद्ध थी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक बुद्धिमान बालक था। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री एंड डिसएग्री टू, इनमें से किन कथनों से आप सहमत या असहमत हैं। डियर्स, वी एग्री टू स्टेटमेंट्स, हम वी एग्री टू स्टेटमेंट्स सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, हम
कथन दो तीन और स्टेटमेंट्स कथन दो तीन और चार के बारे में सहमत हैं। नंबर एक, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसके इतिहास का ज्ञान मजबूत था। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसकी कल्पना समृद्ध थी। ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह एक बुद्धिमान बालक था। क्वेश्चन नंबर पाँच, वॉट वॉज द नॉइस दैट स्टार्टल्ड चौंका दिया मृदु एंड फ्राइटेंड डरा दिया महेंद्रन, किस शोर ने मृदु को चौंका दिया और महेंद्रन को डरा दिया। वैन द लाली वॉज लर्निंग, जब लाली सीख रही थी। टू प्ले वायलिन एंड साउंड ऑफ क्रीच कमिंग फ्रॉम हर रूम, जब लाली वायलिन बजाना सीख रही थी तो उसके कमरे से आने वाली एक विचित्र सी अटपटी सी आवाज़ ने जो उन्हें चौंका दिया, जो उसके कमरे से आ रही थी। उसके कमरे से आने वाली एक विचित्र सी आवाज़ ने मृदु और महेंद्रन को डरा और चौंका दिया। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन आंसर को आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। नेक्स्ट टॉपिक में हम पार्ट सेकंड का हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश रीडिंग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।